आंदोलन का जो मुद्दा है सिद्धलिंगय्या स्वामी, ये 13 नॉन बेलेबल केसेस होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। उनको अरेस्ट करने की दूर की बात, पुलिस स्टेशन में बुलाकर क्वेश्चनिंग तक नहीं हुआ था। इस चीज को सीरियसनेस को हम लोग लेकर आंदोलन चलो एक कैंपेन किए थे 2017 में। वो माहौल को जो उन्होंने खराब करके रखा था, हम उसको मैनेज करना चाहते थे सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, लेकिन पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया हम पर, उसके बाद सिद्धलिंगय्या स्वामी को। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. आज SDPI ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मकसद है। 2017 के टाइम पे एक केस फाइल हुआ था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुहिम चलाई थी जो सिद्धलिंगय्या स्वामी आंदोलन का जो मुद्दा है सिद्धलिंगय्या स्वामी, उनके ऊपर 28 FIR रहने के बावजूद भी और वारंट रहने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं कर एक जबरगी में कुछ भी बोलने का एक बहुत ज़्यादा उनका एक ऐसा माहौल बना था। तो बहुत सारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एतराज़ था उनके हरकतों से। तो SDPI ने वो चीज़ों को एड्रेस करते हुए एक प्रोटेस्ट किया था। एक पहले तो SP को मेमोरेंडम दिया था कि 15 डेज का टाइम दे रहे हैं आपको, ये 15 डेज के अंदर ये वारंट जो कोर्ट का अवमानना का जो वारंट है उनके ऊपर वो रिकॉल कर लेना है, उन्होंने अगर नहीं किए तो आप लोग उनको इमीडिएट वारंट के तहत अरेस्ट करके JC करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो वो SDPI करती है बोलकर एक मेमोरेंडम देकर एक प्रोटेस्ट किए थे जबरगी में जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका एक जजमेंट हुआ है कल, तो उसी को एक डिटेल समझाने के लिए आज हमारे बीच एडवोकेट गौस भी हैं और हमारे स्टेट लीडर खालिद साहब, स्टेट ट्रेजरर और स्टेट लीडर अब्दुल रहीम पटेल साहब और मेरे सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीडर मोहम्मद मोहसिन, हम सब मिलकर आज इसका एक डिटेल क्या है बोल के ब्रीफ आप गुलबर्गा की आवाम को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। वालेकुम, मेरा नाम महबूब गौस एडवोकेट हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे SDPI वाले ने दावत दी है, मैं सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को, जो ये 2017 के अंदर SDPI के लीडर्स और मेंबर्स ने जेवरगी के अंदर एक प्रोटेस्ट किए थे। वो प्रोटेस्ट आंदोलन स्वामी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। इस वक्त जेवरगी पुलिस ने कम से कम 42 लोग अक्यूज के ऊपर 2017 में एक FIR रजिस्टर की है। उस FIR में IPC के 143, 147, 148, 149, 307, 353, सेक्शन 188 एंड 149 को डाल के उनके ऊपर 42 मेंबर्स के ऊपर FIR किए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो ये केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें 42 लोग के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करते हैं 2017 के बाद। 2019 में चार्जशीट फाइल करते हैं 2 साल के बाद, उसके अंदर 307 सेक्शन को निकाल देते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ बोल के, 307 जैसा एक मेजर एक मटेरियल नहीं मिला है बोल के 307 को निकाल देते। उसके बाद मेजर ऑफेंस 353 और सेक्शन 188 को रख के एक चार्जशीट फाइल करते हैं। ये नॉर्मल सेक्शन 143, 147, 149 रखकर 188 और 350 के साथ एक फाइनल रिपोर्ट पुलिस कोर्ट के सामने पेश करते हैं। लेकिन हम लोग जैसा वो चार्जशीट ने पुलिस लोग फाइल करते इमिडिएटली वो चार्जशीट को हम लोग स्टडी करके हमारे सीनियर मोहम्मद ताहिर और यहाँ के लोकल गणेश कलबुर्गी और सिद्धापा पोजर, हम लोग वो केस को पूरा एक ब्रीफ एक स्टडी करके हम लोग देखते हैं उसके अंदर जो ये प्रोटेस्ट के खिलाफ एक केस किए थे ना, ये क्या सही है रॉन्ग है बोल के स्टडी करने के बाद हमने एक उसमें एक लीगल पॉइंट्स ने मिलते हैं वो चार्जशीट के अंदर। उसमें पुलिस लोग सेक्शन 188 को एक इन्वोक करते हैं, लेकिन सेक्शन 188 इन्वोक करने के लिए पुलिस को पावर ही नहीं है FIR करने के लिए। सेक्शन 188 को कौन से भी पुलिस स्टेशन में यानी इंडिया के कहाँ भी एक पुलिस लोग FIR करना बोले तो वो लोग को FIR करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, मतलब परमिशन ही नहीं है। वो लोग कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल के वो लोग
केस फाइल करना पड़ता, लेकिन सेक्शन 188 रख के एक फाइल करते वही लीगल ग्राउंड में और 353, लेकिन पुलिस को एक उनके एक ड्यूटी को डिस्टर्ब किए बोल के डालते, लेकिन चार्जशीट के अंदर वो मेटेरियल नहीं रहने की वजह से और सेक्शन 188 को एक जैसा सेक्शन 195 CRPC का एक जो रूल्स है उसको फॉलोअप नहीं किए बोल के जो ये SDPI के मेंबर्स 42 लोग के ऊपर जो चार्जशीट फाइल किया था वो सब एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो उसमें कुछ भी एक मटेरियल नहीं मिला और कानून को फॉलोअप नहीं किए बोल के यही महीना 10 तारीख को पूरे 42 लोग के ऊपर जो चार्जशीट फाइल किया था उसको एक क्वैश किया है, रद्द किया है पूरा भी हाई कोर्ट कलबुर्गी बेंच ने रद्द किया है। इसका मतलब ये है जो पुलिस लोग इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं ना एक सही से नहीं किए बोल के एक ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने करके इनको पूरे लोगों को कुछ भी एक गुनाह नहीं किए बोल के रिया किया गया है। इतना हाँ सेक्शन 188 भी यही चाहिए पब्लिक सर्वेंट को एक डिस्टर्ब करने का जो एक ड्यूटी में उन लोगों को एक अड़चना बोलते ना एक डिस्टर्ब जैसा 188 सेक्शन वो होता है। देखो 353 और 188 सेम होता है लेकिन 353 में कुछ असल्ट होना है पुलिस के ऊपर नहीं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असल्ट होना वो इसमें नहीं आता, लेकिन सेक्शन 188 जस्ट एक डिस्टर्ब उनको काम को रिकॉर्ड करने के लिए जो सेक्शन 188 डालते हैं। मगर सेक्शन 188 डालना बोले तो FIR करने के लिए पुलिस को परमिशन नहीं है, पुलिस लोग ने कोर्ट में जाके उन्हें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके उसके बाद कोर्ट ने पॉलिटिशियन फिर रिटर्न रेफर करने के बाद वो FIR कर सकते हैं विदाउट क्या है बोले तो एक PCR से ना ये सेक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। 188 के बारे में हाईकोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट को क्या कर दिए बोले तो बाई चांस FIR वैसा हुआ था वो तो एक सोमोटो कंप्लेंट होने के बाद सेक्शन 188 डालते बोले तो पूरे सेक्शन को भी गलत है बोल के बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर रेफर किया है वही बेसिस पे ये केस को क्वैश किया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स और कैडर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आंदोलन चलो जो 2017 में हम लोगों ने कैंपेन किया था बहुत सारे जवर्गी के अवाम जवर्गी के ऑर्गेनाइजेशंस और गुलबर्गे के ऑर्गेनाइजेशंस बार बार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मेमोरेंडम दे के थक गए थे कि आंदोला स्वामी जो एक हैबिचुअल कम्युनल ओरेटर है जिसकी वजह से कम्युनल स्पीचेस होते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में तनाव होता है इतने सारे मेमोरेंडम देने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं ले रहे थे हालांकि 20 के ऊपर से ज़्यादा उनके ऊपर केस थे उनको अरेस्ट करने की दूर की बात पुलिस स्टेशन में बुलाकर क्वेश्चनिंग तक नहीं हुआ था। इस चीज़ को सीरियसनेस को हम लोग लेकर आंदोला चलो एक कैंपेन किए थे 2017 में जिसकी वजह से तकरीबन 500 से ज़्यादा SDPI के लीडर्स कैडर्स सपोर्टर्स जवरगी तालू के ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारा डिमांड यही था कि आंदोला स्वामी जो हमारे गुलबर्गा रीजन के लिए यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और रामनवमी के नाम पर गणेश उत्सव के नाम पर ये मुसलमानों के ऊपर इस्लाम के ऊपर गैर अनपार्लियामेंट्री और अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट्स देकर जो नौजवान हिंदू हैं बच्चे हैं उनको उसकाने का काम कर रहे थे और बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए थे उनके कम्युनल स्टेटमेंट देने के बाद। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन किया जिसमें 500 से ज़्यादा हमारे लीडर्स और कैडर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे वो प्रोटेस्ट को एक गलत रूप देने के लिए वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस और वहाँ के दबाव में आकर पुलिस ने हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले थे। वकील साहब ने आपके सामने जो भी IPC सेक्शन से बताए हैं तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट होता है और क्योंकि हम एक हैबिचुअल ऑफेंडर के ऊपर बार बार मेमोरेंडम देने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा था उसको देखकर हम लोगों ने आंदोलन चलो कैंपेन किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट होम मिनिस्ट्री तक हम लोगों ने कंप्लेंट किया उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया फिर जो कानूनी प्रक्रिया भी हो गई है और उसके बाद जो हमारे पर वापस केसेस किए थे उसको हम लोगों ने लीगली लड़ा है आज उसका जाकर हाईकोर्ट ने भी हमारा जो स्टैंड था कि हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और कुछ भी वहाँ पर गैर कानूनी काम कुछ नहीं हुआ बोलकर हमारा जो स्टैंड था
और SDPA हमेशा से एक पीसफुल प्रोटेस्ट और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट करती है, उसको हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है हम उसको वेलकम करते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी में जो लड़ाई होती है लोगों की और गलत लोगों के खिलाफ, हम लोगों को डरना नहीं है। केसेस होते हैं, FIRs होते हैं, कानून का लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन उसको डर कर केसेस होते हैं, जेल को जाना पड़ता है बोलकर, अगर हम इसको डर कर हम सोसाइटी के जो खिलाफ जो काम करने वाले जो लोग हैं और सोसाइटी को जो तोड़ने वाले जो खिलाफ करने का काम करने वाले लोग हैं उसको हम खामोश देख नहीं सकते, उनके खिलाफ हमें काम करना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, हर जगह इसी तरह से एहतजाजी सियासत करते आ रही है और हमें इस एहतजाजी सियासत का फ़ायदा भी मिला है। और हाईकोर्ट ने हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको विदस्टैंड किया है और इस जजमेंट को मैं वेलकम करता हूँ। और ये हमें सबक मिलता है कि थोड़े दिन तक हमें परेशानी होती है, FIRs होते हैं, पुलिस का चक्कर काटना पड़ता है, पुलिस स्टेशन का हो, कुछ वक्त के लिए जेल भी होता है, लेकिन अवाम को एकजुट होकर इस डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में हमें लड़ने की ताकत मिलनी चाहिए और ये एक हमें एग्जाम्पल देता है। सबसे अव्वल जो आंदोलन चलो मुहिम का जो नतायज आए, जो हाईकोर्ट की बेंच से जो जजमेंट आया, मैं उसको वेलकम करते हुए सारे जो एक्यूज 42 एक्यूज़ जो हैं जिसमें मेरा 14 नंबर है, A14 है, ये सारे सिनारियो में मैं वेलकम करते हुए उनको भी मुबारकबाद देता हूं, जितने 42 लोग इस केस से बरी जमा हो गए और हाई कोर्ट का वो जजमेंट एक तारीखी जजमेंट माना जाएगा। चूँकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह का माहौल सिद्धलिंगया स्वामी जी ने किया था, जिस तरह का माहौल बना करके लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काना, एक मजहब से दूसरे मजहब के लोगों को भड़काना, स्पेशली ख़वातीन के बुरके और मुसलमान नौजवानों की दाढ़ी और झुब्बे पर जब बात करके मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो तनाव पैदा करने का जो माहौल था उसको रोक लगाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। इससे पहले हमने 2017 से पहले लगातार लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट को हम रेगुलर उनके नोटिस में लाते रहे कि इनके ऊपर कई केसेस हैं जो नॉन बेलेबल केसेस हैं, अराउंड नॉन बेलेबल 13 नॉन बेलेबल केसेस थे उनके ऊपर और बहुत सारे केसेस थे, लेकिन ये 13 नॉन बेलेबल केसेस होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। हम बार बार जता भी रहे थे कि वीडियो कैसेट्स और उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रोड्यूस किया था कि हम आप इनको अमन व अमान के लिए इनको सलाखों के पीछे डालना ज़रूरी है और कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, कानून की जो ये की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप रहते पर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बार बार बोलने के बाद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, SDPI बहुत सारे दलित और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके एक राय मशवरा हमने किया क्या करना चाहिए, तो सभी का एक ओपिनियन तैयार हुआ कि हम आंदोलन चलेंगे। तो वो आंदोलन चलो मुहिम में हमें जिस तरह की सौबतें जो बर्दाश्त करनी पड़ी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि माहौल को ख़राब करने वाले जो लोग होते हैं उन शरपसंद लोगों को नकेल कसे, उन्हें रोके और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, बल्कि हुआ ये कि उनको बाद में किया गया, हमारे ऊपर जो है ना इमीडिएटली एक्शन लेकर के हमें वो केस को, वो माहौल को जो उन्होंने ख़राब करके रखा था, हम उसको मैनेज करना चाहते थे सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, लेकिन पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया हम पर, उसके बाद सिद्धलिंगया स्वामी को। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ ये सारा प्रोसीजर्स, उसमें कभी भी रंदे कानून के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए जो बात है वह जो साबित होती है कि आज भी कानून का दरवाज़ा खुला है, जीत हासिल हो सकती है, अपने
जो अवामी हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं वो कभी मायूस नहीं होते, वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से यही अज़्म करके रखा हुआ है कि अवाम के हुकूक के लिए, चाहे वो सरकारी तंजीमें हों, गैर सरकारी तंजीमें हों, या फिर हत्ता के सरकार भी हो, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, अगरचे कि वो लोग अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ और अवाम के बीच में भेदभाव का अगर माहौल पैदा करती हैं। तो SDPI हमेशा से सरगर्म रही है और उसी के नताएज हर हमेशा देखा जाता है कि हमने कानून के चौखट में और जमहूरी निज़ाम के दायरे में रहते हुए हमने अपनी जद्दोजहद को लड़ा और आज हमें यह नतीजा मिला कि आज हम कामयाबी का सहरा पहन रहे हैं। और मैं उस बेंच को, हाईकोर्ट बेंच के जजमेंट को मैं वेलकम भी करता हूँ और सभी अवामुन्नास को इस बात का भी मैं ये तयखुन देना चाहता हूँ कि SDPI कभी भी अवाम मसाइल में हमेशा पेश रही है और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। 42 लोग हैं, उसमें गुलबर्गा शहर से 10 लोग, जवरगी से 10 लोग, शाहबाद से 4 लोग, शाहपुर से 6 लोग, ये देवदुर्गा से, इस तरह से मिला करके टोटल 42 लोगों का एक पूरा चिट्ठा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें फतेह मिली है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।